my screen as well. रही चले लेट्स हैव अ क्विक रीकैप। इतने बाकी लोग भी आ जाएंगे तो फिर हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, हमने लास्ट टाइम जो है वी स्टार्टेड ऑफ विद चैप्टर नंबर 5 व्हिच इज एक्चुअली अबाउट एंगल मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। और हमने इसके अंदर आपको इंट्रोड्यूस किया था एंगल मॉड्यूलेशन की टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन से। व्हेनेवर आई से टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन आई एम टॉकिंग अबाउट द वेव फॉर्म इन टाइम डोमेन। जिस तरह हमने डी एस बी एस सी को रिप्रेजेंट किया था एज फाई डी एस बी एस सी ऑफ टी इज एम ऑफ टी कॉज ऑफ ओमेगा सी टी प्लस थीटा नॉट। लेकिन हम अज्यूम ये करते हैं कि ये थीटा जो है इक्वल टू जीरो है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डी एस बी एस सी सिग्नल। इसी तरह हम लोगों ने एंगल मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन के इस चैप्टर में वी इंट्रोड्यूस्ड यू विद दी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन। वन इज दी फेज मॉड्यूलेशन एंड दी अदर वन वॉज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इसका जस्ट लेट्स हैव क्विक क्विक अस्सलाम रीकैप ऑफ वालेकुम दिस। सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर एक एक दो क्वेश्चन है जी वो पूछ लूँ मैं क्लास से पहले। प्रीवियस लेक्चर से सर एक रिलेटेड तो है। वो नहीं सर वो असाइनमेंट में अटेम्प्ट कर रहा था ना, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है वो काफ़ी ट्रिकी है। लेट्स टॉक अबाउट इट आफ्टर द लेक्चर। एक्चुअली यहाँ पे लाइट आफ्टर गई द भी है एंड लेक्चर आई हैव अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ बैटरी विद मी, सो लेट्स टॉक अबाउट इट आफ्टर द एंड ऑफ द। ओके ओके ठीक ओके, है सर, फिर आप जरूर याद रखिएगा। सो हमने फिर जो फेज मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन की एक्सप्रेशंस देखी थी, वी सॉ कि आपके पास पी एम की जो एक्सप्रेशन है इन टाइम डोमेन वो हमने रिप्रेजेंट की थी एज ए कॉज ऑफ ओमेगा सी टी प्लस के पी एम टी। और हमने जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की एक्सप्रेशन देखी थी दैट वॉज ए कॉज ऑफ ओमेगा सी टी प्लस के एफ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू टी एम एल्फा डी एल्फा। ठीक है, ये हमारी टाइम डोमेन एक्सप्रेशंस थी जो हमने लास्ट टाइम देखी थी। अब यहाँ पे हम एक चीज़ रिकॉल करते हैं कि हाउ दीज टू पी एम एंड एफ एम वेव फॉर्म्स आर एक्चुअली लिंक्ड विद ईच अदर। ओके, वो हम कैसे रिकॉल कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारा जो एक अनमॉड्यूलेटेड कैरियर होता है दैट इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ मेगा सी टी प्लस फाइव। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ये हमारा फेस है एंड दिस ओमेगा सी इज माई इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। तो जिस तरह हमने पहले बात की थी कि अगर हम आपके एम्पलीट्यूड को वेरी करें विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल तो ये एएम की वेव फॉर्म बन जाएगी। अगर आप अपनी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल वेरी करें तो आपके पास एफ एम सिग्नल बन जाएगा। और आप अगर अपने फेस को वेरी करें विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल तो ये पी एम की वेव फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, और हमारे पास ये जो एंगल के अंदर ये सब कुछ होता है हम इसको बेसिकली एंगल कहते हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर अनमॉड्यूलेटेड कैरियर। और ये जो आपके पास पार्ट है दिस इज एम्पलीट्यूड को वेरी करें विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल सो यू गेट ए एम सिग्नल। और अगर आप एंगल को मॉड्यूलेट करें तो इट बिकम्स एन एंगल मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म। और एंगल मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म के अंदर आपके पास एफ एम भी हो सकता है और पी एम भी हो सकता है। अब बात आती है कि अगर हम कोई भी एक एंगल मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म देखें सो बाय द लुक ऑफ द एक्सप्रेशन यू कैन अज्यूम दैट वेव फॉर्म टू बी एफ एम और पी एम एज वेल, क्योंकि बोथ आर रिलेटेड विद ईच अदर। ये कैसे हो सकता है, ये हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास एक अनमॉड्यूलेटेड कैरियर है फाई ऑफ टी विच इज ए कॉज ऑफ ओमेगा सी टी प्लस फाई, ये मेरे पास एक अनमॉड्यूलेटेड कैरियर है। अगर मैं इसके फेज को चेंज करूं विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल सो आई कैन थिंक ऑफ इट एज अ फेज मॉड्यूलेटर। ये फेज मॉड्यूलेटर इस फेज को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। तो यानी इस फेज मॉड्यूलेटर को मैं अगर मैसेज सिग्नल पास करूं तो वो फेज मॉड्यूलेटर इसको चेंज कर देगा और मेरे पास आउटपुट पे फेज मॉड्यूलेटेड की वेव फॉर्म आ जाएगी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि अगर मैं एक
लेट मी ड्रॉ इट ओवर हेयर. दिस अगर मैं एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म की बात करता हूँ, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म का मतलब है फाई एफ एम दिस इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ ओमेगा सी टी प्लस के एफ एल्फा टी. ठीक है, अब यहाँ पे जो एल्फा है, एल्फा टी, दिस इज बेसिकली दिस माइनस एल्फा टी माइनस इनफिनिटी टू एल्फा एम एल्फा टी एल्फा. हम इस पार्ट को एल्फा टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो एफ एम की वेव फॉर्म है मेरे पास, मुझे पता है कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो मुझे पता चल रहा है कि इसका जो फेज है ये वेरी हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द इंटीग्रेशन ऑफ द मैसेज सिग्नल, क्योंकि यहाँ पे अल्फा की टर्म आई हुई है जबकि यहाँ पे एम ऑफ टी की टर्म आई हुई थी. तो इसका मतलब है कि अगर मैं यही फेज मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म या जो मॉड्यूलेटर है फेज मॉड्यूलेटर, अगर इसकी इनपुट पे मैं इंटीग्रेशन ऑफ द मैसेज सिग्नल दूँ एम एल्फा डी एल्फा, तो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट पे क्या मिलेगा, मुझे एफएम एफ एम का सिग्नल मिलेगा जो हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन में नजर भी आ रहा है. तो सेम फेज मॉड्यूलेटर यूज करके अगर मैं इसकी इनपुट पे मैसेज सिग्नल दूंगा तो मुझे आपके पास पीएम की वेव फॉर्म मिल जाएगी. अगर इसकी इनपुट पे मैं इंटीग्रेशन ऑफ द मैसेज सिग्नल दे दूं तो मुझे एफएम की वेव फॉर्म मिल जाएगी. लाइकवाइज अगर मैं एक एफएम की वेव फॉर्म की बात कर रहा हूं, तो हमें पता है एफएम जो है बेसिकली, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, एफ एम की जो वेव फॉर्म होती है, इन एक्चुअल हम क्या कर रहे होते हैं, हम इस एफ एम की वेव फॉर्म के अंदर हम ये इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी जो है इसको चेंज करते हैं बिकॉज इट्स अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल. और इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी जो है, वी हैव ऑलरेडी नो कि जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है इट इज नथिंग एल्स बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगल थीटा. ये जो हमारा पूरा एंगल है, हम इसको इसका इसका डेरिवेटिव ले लें तो हमें इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी. तो अगर मैं इस सिग्नल की इस पार्ट का, ये जो हमारे पास एंगल है, इसका मैं अगर डेरिवेटिव लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, दिस इज ओमेगा सी टी विल बिकम ओमेगा सी प्लस के एफ इज कॉन्स्टेंट और अल्फा जो है दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द मैसेज सिग्नल. तो ये डेरिवेटिव इज इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा एंड आई विल हैव एम ऑफ टी ओवर हेयर. तो हमें ये पता चल गया कि एफ एम के केस में जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी जो फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी, इसको चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे भी एक ब्लॉक बनाऊँ और मैं कहूँ कि ये एक एफएम का ब्लॉक है, तो इस एफएम के ब्लॉक ने क्या करना है कि इस सिग्नल की जो आपका अनमॉड्यूलेटेड कैरियर है, दिस वन, ये जो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर है, इसकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी जो है, इफ आई लुक एट दिस अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, इसकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैं इसके इस एंगल का डेरिवेटिव ले लूंगा, दिस इज द थीटा टी. तो अगर मैं यहाँ पे डी बाय डी टी ऑफ थीटा टी करूँ इस अनमॉड्यूलेटेड कैरियर के केस में, तो ओमेगा सी टी विल बिकम ओमेगा सी और फाई जो है ये कांस्टेंट है, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये जीरो हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि एक अनमॉड्यूलेटेड कैरियर की इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होती है, विच वी ऑलरेडी नो कि आपके पास अनमॉड्यूलेटेड कैरियर का एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होता है, इसका फेज भी कांस्टेंट होता है और इसकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होती है. लेकिन अगर मैं इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को चेंज करूं, हेयर वी कैन सी कि आपके पास एफएम के केस में इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा आई टी, ये चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, तो मेरे पास एक एफएम का सिग्नल बन जाएगा. तो वही अगर को अगर मैं मैसेज सिग्नल इनपुट पे दूं तो मुझे आउटपुट पे एफएम की वेवफॉर्म मिल जाएगी. लेकिन इसी तरह अगर मैं पीएम की वेवफॉर्म को देखूं, ये जो मेरे पास पीएम की वेवफॉर्म है, अगर इस पीएम की वेवफॉर्म की मैं इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूं तो मैं इसके एंगल का डेरिवेटिव ले लूंगा. तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इस पीएम के केस में क्या आएगी, इफ आई टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस इट विल बिकम ओमेगा सी प्लस के पी कॉन्स्टेंट है और एम टी का जो डेरिवेटिव है इट विल बिकम एम डॉट टी. तो इस इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को देख के आई कैन वेरी इजीली से कि अगर मेरे पास एक एफएम का मॉड्यूलेटर है और इसको मैं डेरिवेटिव ऑफ द मैसेज सिग्नल दे दूं तो वो एक पीएम की वेवफॉर्म जनरेट कर देगा. तो इसी एफएम मॉड्यूलेटर की इनपुट पे अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ द मैसेज सिग्नल दे दूं तो मुझे आउटपुट पे पीएम का सिग्नल मिल जाएगा.
सो इट डिपेंड्स हाउ यू लुक एट एन एफ एम मॉड्यूलेटर और अ पी एम मॉड्यूलेटर एंड वेदर इट्स इनपुट इज एम ऑफ टी और इंटीग्रेशन ऑफ एम ऑफ टी, और अगर ये एफ एम मॉड्यूलेटर है तो इफ द इनपुट इज एम ऑफ टी और एम डॉट ऑफ टी, यू कैन जनरेट बोथ पी एम सिग्नल और एफ एम सिग्नल फ्रॉम बोथ द मॉड्यूलेटर्स. ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम जो बात की थी, वी एक्चुअली सॉ दीज ब्लॉक डायग्राम्स. क्या आपके पास ये एफ एम की वेव फॉर्म है, और अगर आपके पास खाली फेज मॉड्यूलेटर है, अगर आप इसकी इनपुट पे एक मैसेज सिग्नल खाली दे दें एम ऑफ टी, तो आपको यहाँ पे पीएम की वेव फॉर्म मिल जाएगी. लेकिन इसी फेज मॉड्यूलेटर की इनपुट पे आप इंटीग्रेशन ऑफ द मैसेज सिग्नल दे दें, तो आपको एफ एम की वेव फॉर्म मिल जाएगी. लाइकवाइज अगर आपके पास एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर है और आप इसकी इनपुट पे मैसेज सिग्नल दे दें, तो आपको यहाँ पे एफ एम का सिग्नल मिल जाएगा. लेकिन अगर आप इसकी इनपुट पर डेरिवेटिव ऑफ द मैसेज सिग्नल दे दें, तो यही फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर आपको पीएम की वेवफॉर्म जनरेट कर देगा. क्लियर? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द पावर ऑफ एन एंगल मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म. सो हमने अभी तक एंगल मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म किस तरह रिप्रेजेंट किया है, कि इफ इट इज अ पीएम, दिस इज ए कॉज ऑफ प्लस एपी, and the other one is phi of fm of t is a cos of omega ct plus kf alpha t. और हमने already कह दिया कि जो alpha of t है, it is integration m alpha d alpha. ठीक है, ये हमारे पास angle modulated waveform है. तो by the look of it, आपको नजर आ रहा है इन दोनों का amplitude जो है वो constant है. इस जो fm की जो sorry pm की waveform है, इसका फेज चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, और जो एफ एम है इसकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल. वैसे हमें जनरली पता है कि एक जनरल एंगल मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म है, उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए कॉज ऑफ थीटा टी. दिस थीटा टी डिपेंड्स कि ये के पी एम टी है या के एफ अल्फा टी है. और हमें ये भी पता है, आपको याद होगा जब हमने पावर ऑफ एनी सिग्नल फाइंड आउट की थी चैप्टर नंबर टू में, हमें पता था कि कोई भी कोसाइन या साइन जो है उसकी जो पावर होती है वो किसके बराबर होती है. अगर हमारे पास एक सिग्नल है ए कॉज ऑफ थीटा, इसकी पावर क्या होगी, इसका एम्पलीट्यूड का जो है वो स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू. अब चूंकि इन दोनों वेवफॉर्म्स का एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट है, तो दोनों की पावर भी जो है ये कॉन्स्टेंट होती है, एंड इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय टू, जिस हमने पहले देखा था. So, जो इंस्टेंटेनियस फेज और फ्रीक्वेंसीज हैं, नाउ दे आर बीइंग चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट द एम्पलीट्यूड रिमेन्स कॉन्स्टेंट. सो जो पावर है आपकी इस एंगल मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म की, इट इज ऑलवेज ए स्क्वायर बाय टू, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ मॉड्यूलेशन इज दिस, के फेज है या फ्रीक्वेंसी है. चूंकि इसका एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट है, सो इसकी पावर भी जो है वो इट विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट एंड इट विल बी ए स्क्वायर बाय टू. लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जाम्पल नाउ. हमारे पास अज्यूम करें एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मीन्स इट्स द मैसेज सिग्नल. इसको हम एम ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दिस इज हाउ द मैसेज सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड, कि ये एक ट्रायंगुलर वेव है, और हमें देखने से पता चल रहा है कि फ्रॉम दिस पीक टू दिस पीक इसकी जो पीरियड है दैट इज 2 × 10⁻⁴, और ये आपको यहाँ से इसकी स्लोप भी नजर आ रही है कि माइनस जो नेगेटिव पीक है इसकी -1 पे है, पॉजिटिव पीक जो है वो 1 पे है. ये पॉइंट से ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है, this is equal to 2 × 10⁻⁴. So आपको अगर दोनों सारे पॉइंट्स का पता है, तो आप इसमें से इसकी स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसकी स्लोप आपने फाइंड आउट करनी है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं y2 से फॉर एग्जाम्पल x1 x2 x1 y1 है, और इसके कोऑर्डिनेट्स से y1 और x1 है, तो x2 माइनस x1 ओवर y2 माइनस y1 करेंगे, आपको इसकी स्लोप मिल जाएगी. इस पॉइंट और इस पॉइंट की आप यहाँ इसको यूज करके स्लोप निकालेंगे, तो यू वुड सी दैट स्लोप विल कम आउट टू बी प्लस माइनस 20,000. तो जहां पे आपके पास इंक्रीजिंग स्लोप होती है दिस इज प्लस 20,000, और जहां पे आपका डिक्रीजिंग स्लोप होती है दिस इज माइनस 20,000. तो हमने इसकी स्लोप फाइंड आउट कर ली इस वेवफॉर्म की, एंड वी विल यूज इट लेटर इन द क्वेश्चन. तो हमने करना क्या है कि हमने इस मैसेज सिग्नल, ये जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, इस मैसेज सिग्नल को यूज करके वी हैव टू डिफाइन कि आपकी पीएम और एफएम की वेवफॉर्म्स कैसी होंगी. ठीक है, और हमें जो कुछ वैल्यूज दे दी गई है वो ये कि आपके पास जो के एफ का कॉन्स्टेंट है वो 2π × 10⁴ है, के पी का कॉन्स्टेंट जो है वो 10π है, इनिशियल फेज जो है वो 0 है, और जो आपके पास इनिशियल कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो 100 MHz है.
ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीएम वेव फॉर्म हम कैसे जनरेट करेंगे। पीएम की इक्वेशन हमें पता है, इट इज फाई पीएम टी ए कॉज ऑफ ओमेगा सी टी प्लस के पी एम टी। ठीक है, अब चूंकि हमने फेज मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म हमने जनरेट करनी है, तो हमें पता है कि हमें फेज को चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। तो अगर हमने अब ये जो पीएम की वेव फॉर्म है, हम अगर इसकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें, वो कैसे निकलेगी? इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एंगल एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा सी प्लस के पी एम डॉट टी। यानी कि आपके जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो डेरिवेटिव ऑफ द मैसेज सिग्नल से वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं। सो इफ दिस इज माई मैसेज सिग्नल, इस मैसेज सिग्नल का डेरिवेटिव क्या होगा? एम डॉट टी। कि जैसे जैसे ये स्लोप इंक्रीज कर रही है, तो हमें पता है कि दिस इज प्लस 20 के एंड दिस पार्ट जो नेगेटिव स्लोप है दिस इज माइनस 20 के। तो ये यहां से लेके यहां तक का जो पीरियड है, दिस इज हाउ मच? दिस इज 1 × 10⁻⁴, क्योंकि ये हाफ ड्यूरेशन का है। क्योंकि हमें पता है एक पीक से दूसरी पीक तक 2 × 10⁻⁴ है, तो ये हाफ का जो हिस्सा होगा दिस इज 1 × 10⁻⁴। तो हमें पता है कि यहां से लेके यहां तक जो है दिस इज 1 × 10⁻⁴, और फिर यहां से लेके यहां तक भी जो है ये डिस्टेंस भी 1 × 10⁻⁴ है। तो अगर मैं एम डॉट टी निकालना चाह रहा हूं, तो बेसिकली आई एम डूइंग डेरिवेटिव ऑफ द मैसेज सिग्नल, दिस विल गिव मी एम डॉट टी। और हमें पता है कि डी बाई डी टी या डेरिवेटिव ऑफ मैसेज सिग्नल इज नथिंग एल्स बट द स्लोप ऑफ द मैसेज सिग्नल, और स्लोप हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं हेयर। तो जितनी ड्यूरेशन के लिए ये पॉजिटिव स्लोप है या इंक्रीजिंग स्लोप है, हम उतनी ड्यूरेशन के लिए उसकी पॉजिटिव स्लोप की वैल्यू ले लेते हैं, दिस इज 20 के, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये आपके पास पॉजिटिव 20 के की वैल्यू आएगी। जिस ड्यूरेशन के लिए नेगेटिव स्लोप है, उतनी ड्यूरेशन के लिए हम नेगेटिव स्लोप की वैल्यू लेंगे विच इज माइनस 20 के। फिर पॉजिटिव स्लोप है तो हम पॉजिटिव स्लोप की वैल्यू लेंगे। जितनी देर के लिए फिर ये नेगेटिव स्लोप है, हम उतनी देर के लिए नेगेटिव स्लोप की वैल्यू लेंगे। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एम डॉट टी। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमें पता है कि अगर हमने फॉर एग्जाम्पल पीएम की वेव फॉर्म जनरेट करनी है, तो पीएम की वेव फॉर्म हम एक एफएम मॉड्यूलेटर से भी जनरेट कर सकते हैं। और वो हम कैसे जनरेट कर सकते हैं कि अगर आप एफएम के मॉड्यूलेटर को एम डॉट टी दे दें, यानी कि इस कैरियर की इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करें विद रिस्पेक्ट टू एम डॉट टी, तो मुझे वही पीएम का सिग्नल मिल जाएगा। तो मेरा इसका मतलब है कि इनिशियली मेरे पास जो भी कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसको अगर मैं इस कॉन्स्टेंट एम डॉट टी के साथ वेरी करूं, तो मेरे पास फेज मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या है। वो हमने क्या निकाली थी? ओमेगा आई टी इज ओमेगा सी प्लस के पी एम डॉट टी। अब हमें पता है कि उसने हमें इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी एफ में दी हुई है, इट्स नॉट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो हमें इसे ओमेगा आई को एफ आई में चेंज करना पड़ेगा। तो हमें पता है ये जो ओमेगा आई होता है ये 2 पाए एफ आई के बराबर होता है, तो हम इस साइड को भी 2 पाई से डिवाइड कर देते हैं, इस साइड को भी 2 पाई से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एफ आई टी, दिस इज इक्वल टू ये ओमेगा सी जब 2 पाई से डिवाइड होगा ये एफ सी बन जाएगा प्लस के पी एम डॉट टी डिवाइड बाई 2 पाई। तो दिस इज वॉट वी विल गेट इफ वी आर कंसिडरिंग फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। अब एफ सी जो है ये हमारे पास 100 MHz है, के पी हमें गिवन है, के पी इज 10 पाए, तो 10 पाए जब 2 पाए से डिवाइड होगा ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास एम डॉट टी आ जाएगा। तो दिस इज योर इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। तो अब अगर मैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखना चाहूँ या मिनिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी देखना चाहूँ, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए हमें एम डॉट की मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी, और एम डॉट की एक ही मिनिमम वैल्यू है विच इज -2। तो जब अगर -20 के पुट करके सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी, और जब मैं इसकी एफ इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूंगा, तो मैं इसके अंदर पॉजिटिव एम डॉट टी की वैल्यू लूंगा, वो सब्स्टिट्यूट करने से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 100.1 MHz। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस एम डॉट टी को देखूं, तो इनिशियली मेरे पास यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 100 MHz। अब इस पूरी ड्यूरेशन के लिए जब तक मेरे पास ये एम डॉट जो है इसकी वैल्यू 20,000 है, इट मींस ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम डॉट टी है,
तो मेरे पास ये पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी जो जनरेट हुई हुई है, दिस इज 100.1 मेगाहर्ट्ज़। अब जैसे ही मेरे पास एम डॉट टी माइनस 20,000 हुआ है, अब मैं वो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा हूँ विच इज द मिनिमम वन, विच इज 99.9। अगली ड्यूरेशन के लिए फिर 20K है, तो ये जो ड्यूरेशन है दिस इज ऑफ 100.1 मेगाहर्ट्ज। और फिर अगला नेगेटिव आपके पास है स्लोप, तो ये जो पार्ट है दिस इज 99.9 मेगाहर्ट्ज। तो ये जो वेव फॉर्म है दिस इज ए फेज मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म जो कि आपने एक FM मॉड्यूलेटर से जनरेट की है। बाय गिविंग दिस FM मॉड्यूलेटर द डेरिवेटिव ऑफ द मैसेज सिग्नल, ठीक है। इसी तरह अगर आप FM की वेव फॉर्म जनरेट करना चाहते हैं, हमें पता है FM की जो वेव फॉर्म है इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एम अल्फा डी अल्फा। इस पूरे पार्ट को हम अल्फा टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस FM वेव फॉर्म की जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है दिस इज ओमेगा आई टी इज इक्वल टू ओमेगा सी प्लस के एफ एम टी। यानी आप इसकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट मैसेज सिग्नल से आप कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास डायरेक्ट मैसेज सिग्नल तो वो इस रैंप की तरह का है, ये जो हमारे पास एक रैंप बढ़ रही है फिर कम हो रही है जो ट्रायंगुलर वेव है, दिस इज माय मैसेज सिग्नल। यहाँ पे हमने एक एफएम मॉड्यूलेटर यूज किया था और उसको हमने डेरिवेटिव ऑफ द मैसेज सिग्नल दिया तो हमें पीएम मिल गया। इस केस में हम एक एफएम मॉड्यूलेटर ही यूज कर रहे हैं लेकिन उसको हम मैसेज सिग्नल दे रहे हैं, तो हमें आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, एफएम की वेव फॉर्म मिल जाएगी विच इज द रिक्वायर्ड वन। अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जो मैसेज सिग्नल है वो तो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है फिर लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, वेयर एज इस केस में जो एम डॉट टी था पहले वो भी कांस्टेंट था, फिर आपके पास कांस्टेंट वैल्यू हो, तो इसका मतलब सिर्फ दो फ्रीक्वेंसीज आप जनरेट कर रहे हैं एक खास ड्यूरेशन के लिए। तो लेकिन जब हम एम ऑफ टी की बात करेंगे तो हमें नजर आ रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो लीनियरली इंक्रीज करनी चाहिए फिर लीनियरली डिक्रीज करनी चाहिए, यानी हर इंस्टेंट पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है और हर इंस्टेंट पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। अब हम ये कैसे करेंगे, हम उसी तरह पहले इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी की एक्सप्रेशन निकालेंगे, वो होगा एफ सी प्लस के एफ ओवर टू पाई इंटू एम ऑफ टी नॉट एम डॉट ऑफ टी, वो फेज मॉड्यूलेशन के केस में आता है। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब हम यहाँ पे के एफ का कॉन्स्टेंट पुट करेंगे और के एफ हमें पता है इट इज 2π × 10⁴। सो यू प्लग इन दैट वैल्यू ओवर हेयर और अब आप एम ऑफ टी के साथ इसको फाइंड आउट करेंगे, तो नाउ योर इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी विल बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। तो मेरे पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो मिनिमम वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल है विच इज -1। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल इज -1, यू प्लग इन द वैल्यू, आपके पास 99.9 आ जाएगा। और अगर आप मैक्सिमम वैल्यू देखें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल इज +1। जब आप ये पुट करेंगे तो आपके पास 100.1 मेगाहर्ट्ज आ जाएगा। अब आप इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, आप इसको ड्रॉ ऐसे करेंगे कि जिस इंस्टेंट पे, दिस इज द इंस्टेंट जहां पे आपका मैसेज सिग्नल शुरू हो रहा है, एट दिस पॉइंट आपके पास फ्रीक्वेंसी है 99.9 मेगाहर्ट्ज। और जिस पॉइंट पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है, लेट मी ड्रॉ इट, दिस इज दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे आपकी फ्रीक्वेंसी होगी 100.1 मेगाहर्ट्ज। अब ये जिस तरह लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी अगर आप गौर से देखें तो ये फ्रीक्वेंसी भी लीनियरली इंक्रीज हो रही है, यानी इसकी शेप ऐसे है कि पहले फ्रीक्वेंसी स्लो है और फिर ये हाई होती जा रही है, ये लीनियरली इंक्रीज कर रही है फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसी टू अ हायर फ्रीक्वेंसी। अब इस पॉइंट पे आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, दिस इज 100.1। अब इस पॉइंट पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, तो ये आपके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी का पॉइंट है। अब यहाँ पे वैल्यू 100.1 मेगाहर्ट्ज से 99.9 मेगाहर्ट्ज तक वैल्यू रिड्यूस होगी और फिर ये अब आपका मिनिमम पॉइंट है, ये आपके पास मैक्सिमम पॉइंट है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये फिर लीनियरली फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज करेगी, यानी कि इस पॉइंट से आगे ये जो हाई फ्रीक्वेंसी थी ये फिर ऐसे लो हो जाएगी और ये फिर ऐसे हाई हो जाएगी फिर ये लो हो जाएगी लीनियरली। तो आपके पास जो एफएम की वेव फॉर्म है इस केस में हर इंस्टेंट के ऊपर आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है एंड यू आर जनरेटिंग एन एफएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। तो पिछले केस में हमने क्या किया था कि हमने एफएम मॉड्यूलेटर यूज किया और उसको एम डॉट ऑफ टी दिया तो मुझे फाई ऑफ पीएम ये फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल गया। इसी फेज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर को जब मैंने मैसेज सिग्नल दिया तो मुझे एफएम की वेवफॉर्म मिल गई। इसको आप खुद भी एक दफा ट्राई कीजिएगा ताकि आपको अंदाजा हो कि ये एफएम और पीएम जो है इनकी वेवफॉर्म्स कैसे जनरेट होती हैं।
ओके अब हम बात करेंगे कि आपके पास ये जो एंगल मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म है, ख्वाब वो TM हो या वो FM हो, इन बोथ केसेस आपके पास इनकी बैंडविथ जो है वो क्या होगी। हमें इन सिग्नल्स की बैंडविथ फाइंड आउट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनकी बैंडविथ ही डिफाइन करेंगी कि आपका जो ट्रांसमिशन बैंडविथ है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जिस तरह DSB SC के केस में हमें पता है कि उनकी बैंडविथ होती है 2B, तो आपको ट्रांसमिशन बैंडविथ 2B चाहिए, और अगर आपके पास SSB का सिग्नल है तो उसकी बैंडविथ B है, तो उसके लिए ट्रांसमिशन बैंडविथ B चाहिए। लेकिन PM और FM के केस में हमारे पास बैंडविथ्स क्या हैं, बिकॉज वो बैंडविथ डिफाइन करेगी कि इस वेवफॉर्म को ट्रांसमिट करने के लिए हमें कितनी ट्रांसमिशन बैंडविथ चाहिए। सो जिस तरह हमने बात की थी शुरू में कि जो एंगल मॉड्यूलेशन है ये एक नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन स्कीम होती है। नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन स्कीम क्यों होती है, क्योंकि हमने हमने जिस तरह बात की थी कि न्यू फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट जो है वो जनरेट होते हैं इसके अंदर, और चूंकि इनके अंदर न्यू फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट जनरेट हो रहे हैं इसका मतलब है इसकी बैंडविथ जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से न्यू फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट जो है वो जनरेट होते हैं। एंड सेकेंडली ये नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन स्कीम है, इसलिए आप इसके ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर देता है। लेकिन अगर एक सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज चेंज हो रही हैं, नई फ्रीक्वेंसीज जनरेट हो, उस इंस्टेंट बीइंग जनरेट, तो हम बैंडविथ जो है FM की वो हम कैसे डिटरमिन करते हैं, वी एक्चुअली यूज एन इनडायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट द बैंडविथ ऑफ द FM वेव्स। सो अब हम वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें पता है कि हमने FM के केस में हमें पता है कि जो हमारी एक्सप्रेशन है विच इज फाई FM, हम FM की एग्जांपल ले लेंगे एंड द सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल टू PM एज वेल। सो हमें पता है दिस इज ए कॉज ऑफ ओमेगा CT प्लस KF अल्फा T, ठीक है, और अल्फा जो है ये आपके पास होता है इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू T एम अल्फा डी अल्फा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक यू कैन से फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसे हम phi FM हैट कह देते हैं, ठीक है, यहाँ पे T नहीं लिखा हुआ बट देर इज ए T ओवर हियर। सो phi FM हैट जो है वो AE^j θ, दिस इज व्हाट थीटा इज, जो हम यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं, दिस होल पार्ट इज थीटा टी। हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं phi FM हैट को एक एक्सपोनेंशियल के साथ, वेयर दिस ए इज द एम्पलीट्यूड ए एंड दिस थीटा इज ओमेगा CT प्लस KF अल्फा T, ठीक है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ये कोसाइन है, हम यहाँ पे उसको एक एक्सपोनेंशियल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए उस डिफरेंस को शो करने के लिए हमने यहाँ पे हैट को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हमें पता है कि चूंकि बेसिस सेम है और पावर्स ऐड हो रही है, हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। सो नाउ इट विल बी ए e^j ओमेगा CT एंड e^j KF AT, ये दो एक्सपोनेंशियल से हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। अब मैं कहूँ कि ये जो phi hat ऑफ FM है ये इस phi FM से कैसे रिलेट करता है, वी कैन सी के दे आर रिलेटेड लाइक दिस, कि आपके पास ये जो phi M hat है अगर आप इसका रियल पार्ट ले लें तो आपको ये phi FM का सिग्नल मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो EJ θ होता है दिस इज cos ऑफ थीटा प्लस J साइन ऑफ थीटा। तो अगर आपके पास एक AEJ θ है, दिस विल बी A cos ऑफ थीटा प्लस J A टाइम्स साइन ऑफ थीटा। तो ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, बिकॉज यहाँ पे J की टर्म आई भी है। तो अगर इस phi hat का मैं रियल पार्ट ले लूँ तो आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ए कॉज ऑफ थीटा विच इज दिस ए कॉज ऑफ थीटा। सो जो phi FM hat है ये phi FM के साथ रिलेट कर रहा है कि अगर आप phi FM hat का रियल पार्ट ले लें तो वो वही एक्सप्रेशन जो कि आपके पास FM की एक्सप्रेशन है। सो हम इस रिलेशनशिप को आगे जाके यूज करेंगे। तो इससे हम एक ये चीज इन्फर कर रहे हैं कि हम जो भी काम करें phi hat ऑफ FM के ऊपर, जो भी इसको एनालाइज करने के लिए इसके ऊपर मुख्तलिफ प्रोसेसेस अप्लाई करें, वंस आई विल टेक द रियल ऑफ इट तो मुझे phi FM की वेवफॉर्म मिल जाएगी, ठीक है, तो हम इसको आगे जाके यूज करेंगे। सो अब ये जो एक्सप्रेशन है मेरे पास AE^j ωCT e^j KF AT या अल्फा टी कह लें,
इस एक्सप्रेशन के अंदर ये जो पार्ट है, हमें पता है कि ये जो एक्सपोनेंशियल है इसके अंदर ओमेगा सी कांस्टेंट है, ठीक है, ये अल्फा ए भी कांस्टेंट है, लेकिन इसका जो एक्सपोनेंशियल है ई रेस ओवर जे के एफ, ये ए टी इट्स ए टाइम डिपेंडेंट फंक्शन ए ऑफ टी, यानी ए ऑफ टी वक्त के साथ साथ चेंज हो रहा है, दिस ओमेगा सी इज कॉन्स्टेंट, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो भी डिफरेंस आ रहा है या जो भी नॉन लिनियरिटी एग्जिस्ट कर रही है वो इस पार्ट के लिए की वजह से है, आपके पास जो नॉन है इट इज बिकॉज ऑफ दिस पार्ट ऑफ ए जे ओमेगा सी टी प्लस के एफ ए टी। तो हमारे पास ये जो ई रेज ओवर जे के एफ ए टी है, हमारे पास जो एक्सप्रेशन हम पावर सीरीज एक्सपेंशन यूज करें, तो हम इस ई रेज ओवर जे के एफ ए टी को अगर एक्सपैंड करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है इट बिकम्स ए वन प्लस जे के एफ ए टी। इफ यू रिमेंबर कि ई रेज पावर आपके पास अगर एक्सप्रेशन है फॉर एग्जाम्पल वन प्लस ई रेज पावर एक्स है, दिस इज इफ यू रिमेंबर वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब, इस तरह करके आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाती है, हम उस पावर सीरीज फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं इस केस में। तो अगर हम यहाँ पे इस चीज को सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास ए कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, वी विल हैव वन प्लस जे, ये जो मेरे पास न्यूमिरेटर में आ रहा है जे के एफ ए टी, तो जे के एफ ए टी पहले आ जाएगा, देन के एफ स्क्वेयर ए स्क्वेयर टी डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल, फिर डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल, और ये इसकी जनरलाइज्ड है जे रेज टू पावर एन के रेज टू पावर एन एफ डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल ए एन एन टाइम्स टी, और ये ई रेज पावर जे ओमेगा सी टी, और ये जो ए की टर्म है ये दो टर्म्स वो हैं जो इसके साथ आएंगे, ये ए की टर्म है और ये ई रेज पावर जे ओमेगा सी की टर्म है, इस पार्ट को हमने पावर सीरीज लगा के एक्सपैंड कर दिया, एंड दिस विल गिव मी दी फाई हैट ऑफ एफ एम। सो फाई हैट ऑफ एफ एम इज ए टाइम्स ई रेस ओवर जे ओमेगा सी टी, और हमने ई रेस ओवर जे के एफ ए टी को पावर सीरीज के साथ एक्सपैंड कर दिया। अब हमें पता है कि अगर मैं इसका रियल ले लूं, इस पार्ट का रियल ले लूं, तो मुझे मेरी एफ एम की सिग्नल की एक्सपेंशन मिल जाएगी। तो अगर इस पूरी एक्सप्रेशन का मैं रियल ले लूं तो मुझे फाई एफ एम का सिग्नल मिल जाएगा। तो इफ आई लुक एट दिस, लेट मी जस्ट क्लियर दिस so that you can understand. And let me quickly take the attendance as well. So अब इस केस में बैटरी भी कम ही रहेगी यार। now I still have half an hour, हमारा 20 मिनट का लेक्चर है, डोंट वरी। सो जब मैं इसका इस पार्ट का रियल पार्ट लूंगा तो ये ई रेस ओवर जे ओमेगा सी टी इस वन से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा ई रेस ओवर जे ओमेगा सी टी, इसका रियल जो है वो कॉज ऑफ ओमेगा सी टी है। ये ई रेस ओवर जे ओमेगा सी टी जब इस पार्ट से मल्टीप्लाई करेगा तो के एफ कॉन्स्टेंट है, ए टी भी आपके पास जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये एक मैसेज सिग्नल का इंटीग्रेशन है, और आपके पास ई जे ओमेगा सी टी है, दिस इज कॉज ऑफ ओमेगा सी टी प्लस जे साइन ऑफ ओमेगा सी टी। ये पार्ट जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो जे की वजह से ये इमेजिनरी हो जाएगा, और ये जे जब इस जे से मल्टीप्लाई करेगा ये जे स्क्वेयर हो जाएगा, और जे स्क्वेयर जो होता है वो माइनस वन होता है, सो वी कैन सी माइनस वन ओवर हेयर, और जे माइनस वन हो जाएगा, और अब इसके साथ साइन टी की वैल्यू आ जाएगी, सो वी हैव साइन ओमेगा सी टी ओवर हेयर और के एफ ए टी एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो लाइकवाइज इस ई जे ओमेगा सी टी की इस वैल्यू को मैं हर एक के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और जो भी कॉरस्पॉन्डिंग रियल वैल्यू होगी उसको मैं लिख लूंगा, सो मेरे पास जो पूरी एक्सप्रेशन आएगी इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, ये जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आई हुई है दिस इज वॉट आई विल गेट आफ्टर टेकिंग द रियल पार्ट ऑफ इट। अब मैं अगर गौर से देखूं इसकी जो तमाम एक्सप्रेशन है, कॉज ऑफ ओमेगा सी टी ये एक सिंपल कोसाइन है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट एन इम्पल्स, एक कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी है इसकी ओमेगा सी। अब हमें पता है कि ये जो ए टी है, ए टी इज नथिंग एल्स बट द इंटीग्रेशन ऑफ द मैसेज सिग्नल, ठीक है, यानी कि ये आपके मैसेज सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रही है, और हमें पता है कि जो मैसेज सिग्नल होता है इसकी बैंडविड्थ होती है बी एम, ठीक है। तो अगर आपके पास मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ है तो अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ मैसेज सिग्नल भी ले लें उसकी बैंडविड्थ पे फर्क नहीं पड़ता, इट स्टिल रिमेन्स बी एम। तो ये जो सेकेंड वाला पार्ट है वी कैन सी ओवर हेयर कि ये जो साइन है ये तो सिंपल इसको मॉड्यूलेट कर रहा है, इस आप के एफ तो कॉन्स्टेंट है, ए टी इज योर मैसेज सिग्नल इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इट, ये साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो इस पार्ट की जो बैंडविथ है इट इज बैंड लिमिटेड टू बी, क्योंकि ए टी जो है ये मैसेज सिग्नल है एंड इट्स बैंडविथ इज बी एम। ये जो सेकेंड पार्ट है आपके पास,
इसमें आपके पास ए स्क्वेयर टी है, और हमें पता है जो ए स्क्वेयर होता है, जब भी आप किसी सिग्नल का स्क्वेयर लेते हैं उसकी बैंडविड्थ डबल हो जाती है। तो आपके पास ये जो पार्ट है इट इज बैंड लिमिटेड टू 2 bm। लाइकवाइज ये जो आपके पास पार्ट है इसमें आपके पास ए क्यूब की टर्म आ रही है, क्योंकि ये के 3 भी कांस्टेंट है, 3 फैक्टोरियल भी कांस्टेंट है, तो ए 3 जो है इस इट इज बैंड लिमिटेड टू 3 bm। तो आपके पास यहां पे जो nth वैल्यू आ रही होगी, ए रेस्ट टू पावर n टी आ रहा होगा, इट विल बी बैंड लिमिटेड टू व्हाट, nbm, राइट। तो आप nbm, n-1 bm, सो प्लस सारे कंपोनेंट्स की बैंडविथ अगर आप ऐड करें तो आपको क्या नजर आ रहा है, इस FM के सिग्नल की टोटल बैंडविथ कितनी है? साढ़े जी तो कितनी? इनफाइनाइट तक चली जाएगी। जी थियोरेटिकली इसकी इनफाइनाइट बैंडविथ है। तो हमने यहां पे इसको एनालाइज करके देखा कि जो FM का सिग्नल है इट इज नॉट बैंड लिमिटेड, इट हैज इनफाइनाइट बैंडविथ। अब हमें इसका मतलब है कि जो FM का सिग्नल है उसको ट्रांसमिट करने के लिए हमें कितनी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ चाहिए होगी? इनफाइनाइट इनफाइनाइट चाहिए होगी, इनफाइनाइट। ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अब आपके सामने आप FM के सिग्नल्स अपनी गाड़ी में भी रिसीव कर रहे हैं, अपने मोबाइल फोन में भी रिसीव कर रहे हैं, इट मीन्स कि यू डोंट हैव इनफाइनाइट बैंडविड्थ अवेलेबल। ठीक है, ये तो हमने एक थ्योरेटिकल एक एनालिसिस किया जिससे हमें पता चला कि थ्योरेटिकली FM जो है वो एक नॉन बैंड लिमिटेड सिग्नल है, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ इन्फिनिटी निकल रही है। अब हम आगे एक चीज, दो कॉन्सेप्ट डिफाइन करेंगे FM के केस में। वन इज दी नैरो बैंड FM एंड दी अदर इज वाइड बैंड FM। ठीक है, नैरो बैंड FM क्या होता है बेसिकली? ओके, इसको हम डिफाइन करते हैं इस चीज से कि द बैंडविथ ऑफ FM सिग्नल इज थ्योरेटिकली इनफाइनाइट, हाउएवर प्रैक्टिकल सिग्नल्स आर ऑलवेज फाइनाइट इन बैंडविथ। ये हमें ऑलरेडी पता है कि आपके पास सिग्नल जो भी होगा उसकी फाइनाइट बैंडविथ होगी। इसकी रीजन क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है, इफ यू सी ओवर हेयर, यहाँ पे के एफ डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, के एफ स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, के एफ क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, तो जो nth टर्म होगी आपके पास वो होगी के एन एफ डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल। दिस इज वॉट यू विल गेट फॉर द nth टर्म। अब ये जो आपके पास सिग्नल है ए रेज टू पावर एन, हमें ये तो पता है कि इसकी बैंडविड्थ एन टाइम्स bm है, लेकिन इस सिग्नल की जो पावर है या जो इसके साथ जो इसकी इसकी जो स्ट्रेंथ है ये डिवाइड हो रही है एन फैक्टोरियल से। तो आपको पता है अगर एन बहुत बड़ी वैल्यू है, तो अगर एन की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 10 है तो 10 फैक्टोरियल क्या होगा, 10 × 9 × 8 × 7 × 1, कितनी बड़ी वैल्यू से ये डिवाइड हो रहा है। तो जैसे जैसे आप हायर ऑर्डर टर्म्स की तरफ जा रहे हैं उनकी कंट्रीब्यूशन कम होती जा रही है, क्योंकि दे आर बीइंग डिवाइडेड बाय द फैक्टोरियल ऑफ दैट जो भी आपके पास वो एलिमेंट है। तो लार्ज वैल्यूज ऑफ एन के लिए ये जो आपके पास ये वाले कंपोनेंट्स होते हैं ये तकरीबन इनकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। ये बात समझ आ रही है आपको? यस सर। तो जैसे जैसे आप हायर ऑर्डर टर्म्स को देखेंगे पावर एक्सप्रेशन के अंदर जो हमने के रेस ई रेस ओवर जे के एफ ए टी के लिए हमने डिफाइन किया था, ये जो पावर सीरीज एक्सप्रेशन हमने निकाली थी, इस केस में जो हायर ऑर्डर टर्म्स होती हैं वो इवेंचुअली दे रिड्यूस डाउन टू 0, क्योंकि ये जो टर्म होती है इट इज एक्चुअली मेकिंग द कंट्रीब्यूशन स्मॉलर एज एन इज लार्ज। तो हम एक कंक्लूजन लेते हैं कि आपके पास ये जो के एफ ए टी की वैल्यू है, ये जो न्यूमिरेटर है बेसिकली के एफ ए टी, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर भी एन है, इसकी पावर भी एन है, हम इसको ऑल पावर एन अज्यूम कर सकते हैं, ये वैल्यू न्यूमिरेटर में है डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर बड़ी है और न्यूमिरेटर की वैल्यू छोटी है तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है वी कैन अज्यूम इट टू बी 0। ठीक है, तो हम इस केस में एक कंडीशन यहाँ पे डिफाइन करते हैं, हम ये कहते हैं कि आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू आपने ली, जो कांस्टेंट वैल्यू के एफ टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ द मैसेज सिग्नल, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है इफ इट इज लेस देन 1 तो क्या होगा,
कि हमारे पास ये जो टर्म होगी हायर ऑर्डर टर्म्स दे विल ऑल बी इक्वल टू जीरो. एक तो डिनोमिनेटर बड़ा है, ऊपर से न्यूमरेटर छोटा है, इट इज लेस देन वन. तो इस केस में आपके पास जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है इसके अंदर हायर ऑर्डर टर्म्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी. हम न्यूमिरेटर को लेस देन वन क्यों अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अगर वैल्यू लेस देन वन होगी, से 0.9 है, 0.9 का अगर आप स्क्वायर ले लेंगे इट विल बी लेस देन 0.9. अगर मैं 0.9 की वैल्यू का क्यूब ले लूंगा इट विल बी इवन स्मॉलर. तो अगर आपके पास KFAT की पावर n है तो ऑब्वियसली इट विल बी मच स्मॉलर इफ KFAT इज लेस देन 1. वरना तो आप ये भी सोच सकते थे कि आपके पास डिनोमिनेटर में तो चलो इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, न्यूमिरेटर में भी तो हमने उसकी रेज टू पावर n किया हुआ है तो न्यूमिरेटर की वैल्यू भी बड़ी हो गई है. तो अगर न्यूमिरेटर भी बड़ा है डिनोमिनेटर भी बड़ा है तो उनकी रेशियो विल बी अ फाइनाइट वैल्यू, इट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. लेकिन जब हम ये कंडीशन इम्पोज कर देते हैं कि KFAT की वैल्यू लेस देन 1 है, इट मीन्स कि जब आप इसकी रेज टू पावर एक हायर वैल्यू करेंगे दैट विल बी इवन स्मॉलर देन द एक्चुअल वैल्यू. तो न्यूमिरेटर विल बी ओवरऑल लेस देन 1. तो न्यूमिरेटर और छोटा हो गया, डिनोमिनेटर चूंकि बहुत बड़ा है, वी कैन अज्यूम ऑल दी हायर ऑर्डर टर्म्स टू बी इक्वल टू जीरो. तो इस केस में जो आपके पास फाई एफ एम की एक्सप्रेशन थी, कॉज ऑफ ओमेगा सी टी प्लस के एफ साइन ओमेगा सी टी, ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाली थी दिस वन, हम इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख देते हैं. अब इसके अंदर क्या होगा, ये जितनी भी हायर ऑर्डर टर्म्स हैं दिस वन आगे सो एंड सो फॉर, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 फैक्टोरियल है, इसके अलावा ये जितने हायर ऑर्डर टर्म्स हैं वी कैन अज्यूम देम टू बी इक्वल टू जीरो. तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाती है विच इज फाई एफ एम इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ ओमेगा सी टी माइनस के एफ ए टी साइन ऑफ ओमेगा सी टी. इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं नैरो बैंड एफ एम. और नैरो बैंड एफ एम के लिए जो कंडीशन है वो है कि के एफ अल्फा टी का जो मैग्नीट्यूड है इट हैज टू बी लेस देन 1. लाइकवाइज अगर आप नैरो बैंड पीएम की बात करेंगे तो इट विल बी सेम ए कॉज ऑफ ओमेगा सी टी माइनस के पी एम टी साइन ऑफ ओमेगा सी टी. जहां आपके पास के एफ ए टी लिखा हुआ है वहां आप के पी एम टी अज्यूम कर लेंगे. और आप ये अगर इसी प्रोसीजर को फॉलो करें जिस तरह हमने एफ एम के केस में किया था, आपको नजर आएगा कि वो भी यही एक्सप्रेशन निकलेगी आपके पास. तो ये जो आपके पास फॉर्म्स आ रही हैं कॉज ऑफ ओमेगा सी टी माइनस के एफ ए टी साइन ऑफ ओमेगा सी टी, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर नैरो बैंड एफ एम. और ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर पी एम विच इज नैरो बैंड पी एम. ओके, अब हम इस नैरो बैंड एफ एम और पी एम को ए एम की एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करते हैं. आपको याद है हमारे पास जो ए एम की एक्सप्रेशन थी वो क्या थी, फाइव ए एम ऑफ टी, आपको याद होगा ए प्लस MT cos of omega CT. ये जब हमने DSP LC की बात कर रहे हैं, इसी को अगर मैं एक्सपेंड कर दूं ये हो जाएगा A cos of omega CT plus MT cos of omega CT. ये मेरे पास phi AM की एक्सप्रेशन है, A cos of omega CT plus MT cos of omega CT. यहां पे मेरे पास क्या एक्सप्रेशन है, A cos of omega CT minus A KP MT sin of omega CT. तो यू कैन सी कि इन दोनों की एक्सप्रेशन तकरीबन सेम आपको महसूस होगी. तो अब अगर हम इनको कंपेयर कर लें, नैरो बैंड एफएम इज ए कॉज ऑफ ओमेगा सीटी माइनस केएफएटी साइन ऑफ ओमेगा सीटी, और फुल एएम जो है दिस इज ए प्लस एमटी कॉज ऑफ ओमेगा सीटी व्हिच इज ए कॉज ऑफ ओमेगा सीटी प्लस एमटी कॉज ऑफ ओमेगा सीटी. तो एक ये एफएम की केस नैरो बैंड एफएम है और ये आपके पास फुल एएम की एक्सप्रेशन है. So narrow band FM and full AM requires transmission bandwidth equal to 2B hertz. ठीक है, वो 2B hertz कैसे है, you can see very well कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो आपका message signal है ये message signal, क्योंकि हमें पता है AT जो है this is nothing else but integration of M alpha D alpha और इसकी bandwidth भी B है. अब जब B का सिग्नल साइन के साथ मॉड्यूलेट होगा तो हमें पता चल जाएगा वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज भी पॉजिटिव हो जाएंगी, तो ओवरऑल जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट हो जाएगी वो 2B हो जाएगी. और फुल AM के केस में भी हमें पता है कि जो मैसेज सिग्नल है दिस मैसेज सिग्नल इज बीइंग मॉड्यूलेटेड बाय अ कोसाइन, तो इसकी जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है वो भी 2B के बराबर है, वी ऑलरेडी नो दिस. तो नैरो बैंड FM और नैरो बैंड PM के केस में ट्रांसमिशन बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट भी
टू बी के बराबर होती है। लेकिन फर्क सिर्फ कितना है कि फुल ए एम के केस में आप उसको कोसाइन के साथ मॉड्यूलेट कर रहे हैं, एफ एम नैरो बैंड एफ एम के केस में आप उसको साइन के साथ मॉड्यूलेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो साइड बैंड स्पेक्ट्रम फॉर ए एफ फॉर एफ एम हैज ए फेज शिफ्ट ऑफ पाई बाय टू विद रिस्पेक्ट टू द कैरियर, वेयर एज दैट ऑफ ए एम इट इज इन फेज विद द कैरियर। ये अब देखें कि ए एम के केस में आपका जो कैरियर आपने साथ भेजा है ये कोसाइन भी आप कोसाइन के साथ कर रहे हैं, एफ एम के केस में आपने जो कैरियर साथ भेजा है वो है कोसाइन, लेकिन आप मॉड्यूलेट कर रहे हैं उसको साइन के साथ। तो जो मॉड्यूलेशन है ये 90 डिग्री या पाई बाय टू आउट ऑफ फेज है विद रिस्पेक्ट टू द कैरियर, वही बात ये इस पॉइंट में कर रहे हैं। सो डिस्पाइट सिमिलैरिटीज ए एम एंड एफ एम हैव डिफरेंट, ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि ए एम के केस में आपका जो मैसेज सिग्नल है वो आपके एम्पलीट्यूड को वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, एफ एम के केस में आपकी फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, ठीक है। लेकिन चूंकि दोनों एक्सप्रेशंस की मैथमेटिकल शेप तकरीबन सेम है, हम दोनों इक्वेशंस को एक डीएसबी एससी मॉड्यूलेटर के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिस तरह एएम को आप डीएसबी एससी मॉड्यूलेटर से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप नैरो बैंड एफएम को भी डीएसबी एससी मॉड्यूलेटर से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और वो हम देख सकते हैं यहां पे कि वही आपके पास एक एफएम नैरो बैंड एफएम की एक्सप्रेशन है। तो हम उसको एक डीएसबी एससी मॉड्यूलेटर ले लें, इसको इंटीग्रेशन ऑफ मैसेज सिग्नल दे दें विच इज अल्फा टी विद अ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेटर, और इस वैल्यू को के अंदर मैं एक कैरियर ऐड कर दूं। तो मैंने फॉर एग्जांपल क्या किया, एक कैरियर लिया, इसको पाई बाय टू का फेज शिफ्ट दिया तो ये साइन बन गया, इसको डीएसबी एससी मॉड्यूलेटर को दे के मैंने ये पार्ट जनरेट कर लिया, और इसी कैरियर को इसके अंदर ऐड किया तो ये नैरो बैंड एफएम सिग्नल बन गया। यूज मैंने एक डीएसबी एससी मॉड्यूलेटर किया है, जनरेट मैंने नैरो बैंड एफएम कर लिया है। एंड लाइकवाइज नैरो बैंड पीएम की ये एक्सप्रेशन है, तो मैंने वही एक कैरियर लिया विच इज कॉज ऑफ ओमेगा सीटी, इसको पाई बाय टू का फेज शिफ्ट दे के मैंने साइन जनरेट कर दिया, इस साइन को मैसेज सिग्नल के साथ मैंने ये एम ऑफ टी जो है इसके साथ मैंने मॉड्यूलेट किया यूजिंग अ डीएसबी एससी मॉड्यूलेटर, तो मेरे पास ये पार्ट आ गया विच इज दिस वन, और इसमें मैंने ये ए कॉज ऑफ ओमेगा सीटी ऐड कर दिया ओवर हेयर, तो मेरे पास नैरो बैंड पीएम सिग्नल जनरेट हो गया। So it means using a DSB SC modulator, you can generate a narrow band FM or a narrow band PM signal. Clear? Yes, sir. चले यहाँ पे हम आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं बिकॉज द बैटरी इज लो एज वेल। इंशाल्लाह हम कल जो है यहाँ से अपनी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? जी सर, आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आप मिनट की कर दें। चलें, let me stop the recording here right now, क्योंकि I don't know how long we can continue this discussion. इसके बाद हम इस बारे में बात करते हैं।